बारे में, उन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, टेक्निकल टर्म्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे मेट्रोलॉजी वर्ड क्या है, उसका मतलब क्या निकलता है, और मेजरमेंट वर्ड है उसका क्या मतलब निकलता है, मेट्रोलॉजी जो वर्ड है उसके टाइप्स कितने हैं, तो इस तरह से क्या इनकी नीड है, वो सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो हम अगर जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आता हमारा कि मेट्रोलॉजी क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी, दैट मीन्स मेट्रोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मेट्रोलॉजी के बारे में हम जब बात करते हैं, तो मेट्रोलॉजी क्या है, एक वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और जो दो ग्रीक वर्ड हैं अलग अलग उनका मतलब है मेट्रो और लॉजी। मेट्रो मीन्स मेजरमेंट एंड लॉजी मीन्स साइंस। तो दैट मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्रिसीजन मेजरमेंट। प्रिसीजन मेजरमेंट वर्ड यहां पे क्यों यूज किया गया, क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट करेंगे वो हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए। तो प्रिसाइज होगा यानी कि हम जैसे ही मेजर कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें उसका रिजल्ट दे, नियर अबाउट जो भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसकी, तो वो हमारा प्रिसाइज रिजल्ट होगा। द इंजीनियर कैन से इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एंगल्स एंड ऑल रिलेटेड क्वांटिटीज लाइक विथ डेप्थ डायमीटर एंड स्ट्रेटनेस विद हाई एक्यूरेसी। तो हमारे मेजरमेंट में क्या होता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं। अब वो आपके लीनियर में भी हो सकती है, जिसमें आपकी लेंथ और विड्थ हो सकती है, डेप्थ हो सकती है, इसके अलावा एंगल्स में भी हो सकते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इंक्लिनेशन भी हो सकता है, या फिर किसी का डायमीटर मेजर करना है, स्ट्रेटनेस मेजर करनी है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं, तो ये जो साइंस कहलाती है वो साइंस क्या कहलाती है, मेट्रोलॉजी। दैट मीन्स वो मेजरमेंट हम किससे करते हैं, थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, और उन इंस्ट्रूमेंट को यूज करना, उनको प्रॉपर इस्तेमाल करके समझना कि हाँ किस तरह से हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो आपका प्रोसेस कहलाता है मेट्रोलॉजी। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करने का प्रोसेस क्या है, आपका मेट्रोलॉजी, यानी कि डिफरेंट आपके मेजरिंग साइंस या मेजरमेंट साइंस, तो उसे हम बोल सकते हैं मेट्रोलॉजी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर मेट्रोलॉजी है, उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। पहले हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो कम थे और इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे, जिससे हम आराम से इजीली डिफरेंट डायमीटर्स या डिफरेंट जो थिंग्स हैं, जो बहुत स्मॉल वेरिएबल्स हैं, जो स्मॉल चेंजेस हैं, उनको हम मेजर कर सकते थे। बट टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास इतनी ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज आ गई इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि फ्रेंडली भी हैं, ह्यूमन फ्रेंडली हैं, जिनसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं बहुत सारे डायमेंशंस या बहुत सारे डायमीटर्स, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हमें पहले अगर किसी की भी माइक्रोस्ट्रक्चर हमें मेजर करनी होती थी, तो माइक्रोस्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना है, हम लेंस यूज़ करते थे। लेंस यूज़ करने के बाद हमें पता चलता था कि हम जो स्ट्रक्चर हैं मटेरियल की, वो बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर हैं, तो उसके लिए हमें हाई लेंसेज, हाई पावर के जो आपके जूम के लेंसेज थे वो हमें यूज़ करने होते थे। और उसके बाद जैसे 100x का हम जो लेंस यूज़ करते हैं मोस्टली हमारी लेबोरेटरीज के अंदर, उसके बाद हम उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर है वो हम आइडेंटिफाई कर पाते थे। वहाँ से हम उसको देखते, फिर उसकी इमेज को क्लिक करते, फिर उस इमेज के बाद हम एक रैंडम जो मैनुअल स्केल है वो हम वहाँ पे ड्रॉ करते, और उस मैनुअल स्केल से हम पता करते थे कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर कितना है, जो कि आपका माइक्रोमीटर में भी था, नैनोमीटर्स में भी होते थे, तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बट आज के टाइम थोड़ी एडवांस कंप्यूटराइज मशीन आ रही है, जिनके अंदर आपको सिर्फ मटेरियल को वहाँ पे रखना है। मटेरियल को रखने के बाद जैसे हम उसके ऊपर जूम इसका फिक्स करते हैं, वो उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है, और दूसरे साइड में हम स्क्रीन के ऊपर उसका डायमीटर आइडेंटिफाई कर देता है कि ये आप जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल देख रहे हैं इसका डायमीटर इतना है, इसकी साइज ये है, तो उससे हम उसके ग्रेन साइज को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। पहले हमारे पास मोस्टली जो रहता था, हम इनमें स्केल से मेजर करते थे या फिर हमारे जो मीटर्स होते थे उनसे मेजर करते हैं। आजकल डिजिटल मीटर्स आने लगे, जो हमारे मैकेनिकल मीटर्स होते थे तो उनमें क्या होता था कि एक नीडल लगी हुई होती थी और वो एक स्केल के ऊपर वेरी करती थी। अब वो स्केल के ऊपर वेरी करती है तो कई बार हमें रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, क्योंकि हमारे जो उसके अंदर मेजरमेंट है इक्विवेलेंट डिस्टेंस के ऊपर, वो मेजरमेंट हमें बीच में भी मिल सकता है, आगे पीछे भी मिल सकता है थोड़ा बहुत, तो वहां पे उसके अंदर हम एग्जैक्टली उसका एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट नहीं कर पाते।
बट डिजिटल आने के बाद क्या हुआ कि वो हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ उसके रिजल्ट दिखा देते हैं। जैसे हम लीनियर में जब मीटर था मैनुअल वाला, उसमें हम जब मेजर करते थे तो वहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है 20.27, बट आपका जो डिजिटल मीटर है वो हमें बता सकता है कि वो 20.275 है। तो इस तरह से हमें वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी मिली, बहुत ज़्यादा नियर अबाउट हम एक्चुअल रिजल्ट के पहुँच गए। तो जैसे जैसे हम वहाँ पे एडवांसमेंट होता है हर एक फील्ड के अंदर साइंस की, तो वहाँ पे यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यही आपका डेवलपमेंट हमारे मेट्रोलॉजी में भी है कि नए नए मेथड्स हैं मेजरमेंट करने के, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम मेजर कर सकते हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। एक्चुअली मेट्रोलॉजी डिमांड्स प्योर नॉलेज ऑफ सर्टेन बेसिस मैथमेटिकल एंड फिजिकल प्रिंसिपल्स। अब इसके अंदर आपके ये प्रिंसिपल्स हैं वो क्या काम आते हैं, मैथमेटिकल और फिजिकल प्रिंसिपल, कि आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे उन इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करके मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो उनके लिए हमें पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल रिलेशंस क्या होते हैं, किस तरह से हम एडिशन करते हैं, किस तरह से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं डायमेंशंस को, या कोई भी आपकी लेंथ है, विड्थ है, डायमीटर है, तो उन सब चीज़ों को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, तो वो हमारे मैथमेटिकल रिलेशंस में काम आते हैं। फिजिकल प्रिंसिपल्स कि आपकी स्टेट क्या है उस बॉडी की, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कोई भी आपका रॉ मटेरियल है या फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको स्टडी करनी है मेजरमेंट की, तो उस ऑब्जेक्ट के फिजिकल कंडीशंस को भी वहां पे देखा जाता है। दैट मींस उसकी डिजाइन क्या है, वो रेक्टेंगल है, वो सर्कुलर है, वो ट्रायंगुलर शेप में है, किस तरह से हम उसको यूज करेंगे और कौन से मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हम वहां पे यूज कर सकते हैं कि जिनकी वजह से हम एक डायमेंशन मेजर करें और दूसरे डायमेंशन हमें उसके रिलेशन में मिल जाए। मेट्रोलॉजी इज कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट, रिप्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड्स। तो दैट मीन्स जो उनके आपके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको एस्टेब्लिश करता है, रिप्रोडक्शन करता है। दैट मीन्स हमने जो पहले मेजर किया था उन्हें हम दोबारा मेजर करके देख सकते हैं कि हाँ पहले वाला रिजल्ट हमारा सही है या दोबारा सही है, और उसके बाद हम उनकी यूनिट्स को भी अलग अलग डायमेंशन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे हमारे mm, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से हमारी एक ही मेजरमेंट की डिफरेंट यूनिट्स भी हैं, तो उन डिफरेंट यूनिट में हम उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ऑल इंजीनियर्स शुड नो अबाउट वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक। तो अब ये भी जब कि कोई भी आपकी ब्रांच है उसके अंदर आपके मेजरमेंट का रोल इक्वल होता है। तो ये आपका नहीं है कि मेजरमेंट का नॉलेज है तो हमें सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उन्हीं को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा भी हर एक ब्रांच के अंदर हर जगह मेजरमेंट का एक अलग रोल होता है। कहाँ पे आपके डिफरेंट डिवाइसेस के कंट्रोल हो सकते हैं, अगर आप बात करें आपके सीएस में भी, आपके इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहां पे भी हर एक चीज का मेजरमेंट वहां पे बहुत जरूरी होता है। तो उनके अकॉर्डिंग वहां पे जो भी ड्रॉइंग बनाते हैं उनके आपके होगा, आपके कोई भी सिस्टम होगा उनका, आपका वर्क स्पेस होगा, उनके लिए आपको मेजरमेंट करना होता है। आपके अलग अलग जैसे आप वहां पे देखते हैं प्रोसेसर वगैरह हैं, आजकल नैनोमीटर में प्रोसेसर आते हैं, 8 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर्स। तो दैट मीन्स वो कहां से आए, वो मेजरमेंट्स के थ्रू ही उनको पता चलता है, और उनको डिजाइन करने के लिए आपको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हर एक चीज के अंदर हमें मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हर एक ब्रांच के लिए मेजरमेंट जरूरी है। अब ये तो पढ़ा था हमने मेट्रोलॉजी कि आपके जो मेजरमेंट की साइंस है वो आपकी मेट्रोलॉजी है। देन व्हाट इज द मेजरमेंट, तो अब हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल इवेल्यूशन ऑफ ए डायमेंशन और द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट आपका क्या प्रोसेस है कि आपके कोई भी अननोन डायमेंशन को आप प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद हमें जो न्यूमेरिकल इवेल्यूशन मिलता है, जो क्वांटिटी हमें वहां पे मिलती है, उसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उसके थ्रू हमें जो क्वांटिटी मिलेगी, न्यूमेरिकल इवेल्यूशन मिलेगा उसका, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका मेजरमेंट, कि हमने अब अननोन क्वांटिटी को प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लिया, फिर हमें एक न्यूमेरिकल इवेल्यूशन उसका मिल गया, तो वो चीज हमारा क्या है, मेजरमेंट है कि हाँ ये अननोन क्वांटिटी इतनी वैल्यू रखती है, तो वो उसकी एक्चुअल डायमेंशन। The element of measuring system include the instrumentation,
कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ह्यूमन ऑपरेटर लिमिटेशंस एंड फीचर ऑफ द वर्कपीस। अब अगर हम मेजरिंग सिस्टम की बात करें तो मेजरिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो। जब मेजरमेंट की आप बात करोगे तो आपके मेजरिंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, देन कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड, आपने अगर मेजर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया है तो आपने कौन से एनवायरमेंट में, कौन सी कंडीशंस के अंदर आपने उसको कैलिब्रेट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे मेजर करने जा रहे हैं। देन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, और उस एनवायरमेंट का आपके मेजरिंग डिवाइसेज के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पे देखना है। देन ह्यूमन ऑपरेटर लिमिटेशंस, कोई भी ऑपरेटर है उसे उसकी कितनी क्वांटिटी के उसके बारे में कितना नॉलेज है, तो वो उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे अलग अलग डिफरेंट ह्यूमंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, तो वो अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हमें अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। किसी को बहुत अच्छे से स्किल्ड होती है तो वो बहुत अच्छे से उसे मेजर कर सकता है, और कोई उसे प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकता। देन द फीचर्स ऑफ द वर्क पीस, आपका वर्क पीस कैसा है, उसके फीचर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो वो सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं हमारे मेजरमेंट के प्रोसेस के टाइम। तो हमें जब इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपरली पता है, उसके बाद जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं तो हमें वहाँ पे एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट ही मिलेगा। द बेसिक एप ऑफ मेजरमेंट इन इंडस्ट्रीज इज टू चेक वेदर ए कॉम्पोनेंट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिकेशन और नॉट, जो कि उसका क्वालिटी प्रोसेस होता है। जब आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग होती है। देन क्वालिटी टेस्टिंग में उसका मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि जो प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड हमने बनाए थे हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बना है या नहीं बना। जो स्पेसिमेन हमने बनाया था, जो रॉ मॉडल था हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें हैं वो मेजरमेंट के थ्रू ही हमें पता चल सकती है कि हाँ हमारी डायमेंशंस हैं उनको ये फॉलो कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिला है। जैसे आप देखते हैं कि आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हर एक कार है या आपके SUVs हैं, सभी की डायमेंशंस फिक्स होती हैं। जितने भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं हर एक प्रोडक्ट के आपको इक्वल डायमेंशंस मिलेंगी, इक्वल डिज़ाइन मिलेगी। तो वही हुआ कि उन्होंने पहले जो एक प्रोटोटाइप बनाया था, जो डिज़ाइन उन्होंने फाइनल की थी, उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर फाइनल क्वालिटी टेस्टिंग के टाइम उनको पता चलता है कि नहीं ये प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव है, ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो उसे दोबारा से चेंज कर देते हैं, वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाता है और दोबारा से वो प्रोसेसिंग के थ्रू कंप्लीट होके फाइनल होके निकलता है। तो इस तरह से क्वालिटी चेक होती है कि उसके लिए आपका मेजरमेंट करने के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोसेस हैं, उनके थ्रू आप वहाँ पे उसको प्रॉपरली मेजर करते हो, तो वो आपके टेस्टिंग हो गई। देन टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी, अब अगर हम मेट्रोलॉजी की टाइप की बात करें तो मेट्रोलॉजी तो हमारा प्रोसेस क्या था, साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी मेट्रोलॉजी की टाइप कौन कौन सी हो सकती है। तो पहली टाइप आती है इसके अंदर लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी इज दैट पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी विच ट्रीट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन रिलेशन टू द टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। दैट इज कि आपके टेक्निकल टर्म्स तो हमें पता है कि आप जो भी मेजर करने जा रहे हो तो वो चीज़ क्या है, वो आपकी लेंथ है, वो आपकी विड्थ है या वो आपका एंगल है, तो वो तो हमारे हो गए टेक्निकल टर्म्स। बट इन द लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि आपने जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यूनिवर्सली अडॉप्ट किए गए हैं उनको वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें वहाँ पे हमारे क्या आती हैं कि आपने प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स जो हैं जो कि आपके लीगली अप्रूव्ड हैं और उनकी यूनिट्स जो कि आपके प्री डिफाइंड ही हैं, जैसे हमने मीटर में या फिर आपने सेंटीमीटर में या फिर आपने मिलीमीटर में, जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उसका मेजरमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम किसी जगह उसको mm में मेजर कर रहे हैं, किसी जगह हम उसको मीटर में मेजर कर रहे हैं और किसी जगह हम उसको सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट को अगर आप तीनों डायमेंशंस में अलग अलग तीनों यूनिट्स के लिए मेजर करोगे तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है कि करेक्शंस मिल जाएं, और आप जहाँ अलग उसको मेंशन करके किसी को वो रिजल्ट आप सेंड करते हैं तो उसे भी वो समझने में मुश्किल रहेगा।
तो दैट मीन्स आपको टेक्निकल टर्म भी या टेक्निकल रिलेशन जो है कि हमें सारी यूनिट्स हैं वो सेम फॉर्म में रखनी है, प्लस आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी आपको फॉलो करना है। तो आपके जो रिलेशन हैं आपके इंस्ट्रूमेंट के, मेजरमेंट के मेथड के और आपके यूनिट के, वो आपके टेक्निकली और लीगली दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। तो वो जो आपका प्रोसेस है मेट्रोलॉजी का, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? लीगल मेट्रोलॉजी। द एक्टिविटीज ऑफ द सर्विस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजीज आर कंट्रोल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का कंट्रोल करना है हमें कि क्या हम कैसे मेजर कर रहे हैं। देन टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो दैट मीन्स हम जो मॉडल जो यूज कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, उसके हम प्रोटोटाइप हैं उनको टेस्ट कर सकें या उनके कोई भी मॉडल्स हैं उनको हम पहले चेक कर सकें। एग्जामिनेशन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू वेरीफाई इट्स कन्फर्मिटी टू द स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा, दैट मीन्स हम फाइनल जब उसको हम टेस्टिंग करने के बाद हम उसे एग्जामिन करते हैं। टेस्टिंग और एग्जामिन में फर्क क्या होता है? टेस्टिंग का मतलब यह है कि हमने उसको चेक किया, हमने उसे देखा, अब उसने जो भी रिजल्ट दिए उन रिजल्ट को हमने वेरीफाई किया। टेस्टिंग है एक प्रोसेस और एग्जामिन है उस रिजल्ट को देखना, चेक करना। तो हमने वहां पे जो रिजल्ट देखे उसके बाद हमने उसको एग्जामिन किया कि हाँ हमारे रिजल्ट सही हैं या गलत है, तो वो चीज हमारी एग्जामिनेशन में आ जाती है। देन द नेक्स्ट टाइप इज डायनेमिक मेट्रोलॉजी। तो डायनेमिक मेट्रोलॉजी क्या है कि आपके कोई भी कंटिन्यूअस जो नेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर जितने स्मॉल वेरिएशंस हैं उन स्मॉल वेरिएशंस को चेक करना। तो दैट इज डायनेमिक मेट्रोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ मेजरिंग स्मॉल वेरिएशंस ऑफ ए कंटिन्यूअस नेचर। तो कंटिन्यूअस नेचर में जो चेंजेस हैं आपके प्रोसेस के अंदर, जैसे आपका एक्सेलरेशन है, आपकी वेलोसिटी है, तो उनके अंदर जो स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं तो उनको अगर हम चेक करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? डायनेमिक मेट्रोलॉजी। द टेक्निक हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल एंड रिकॉर्ड ऑफ कंटिन्यूअस मेजरमेंट ओवर ए सरफेस फॉर इंस्टेंस हैज obvious advantage over individual measurements of an isolated character. तो that means अगर हमारे जैसे जो भी moving particles हैं उनकी अगर हमें कोई भी measurement करना है तो उन चीज़ों के लिए हमारे पास dynamic metrology का जो process है वो बहुत ज़्यादा important होता है। जैसे हमारे पास अगर bike है, हम उसकी speed continuously चलते time उसमें check करना चाहते हैं क्योंकि वो बार बार आपकी change हो रही है। बाकी हमारे पास जब stationary situations होती हैं तो उनको तो हम easily measure कर सकते हैं instrument से, but यहाँ पे ये मूविंग पार्ट्स जो कि आपके कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं तो उनको मेजर करना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो उस प्रोसेस में हमारे पास डायनेमिक मेट्रोलॉजी जो प्रोसेस है उसे हम यूज करते हैं। जैसे हमारा टैकोमीटर होता है जिससे हम कोई भी रोटेटिंग पार्ट है उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, तो इसी तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे हम डायनेमिक मेट्रोलॉजी को यूज करते हैं, मेजर करते हैं। देन डिटर्मिनिस्टिक मेट्रोलॉजी। डिटर्मिनिस्टिक मेट्रोलॉजी है कि आपकी जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हम ऑटोमेटिकली थ्री डायमेंशंस में कंप्यूटर को यूज करके उसका मेजरमेंट करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेजरमेंट, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है मेजरमेंट के अंदर वो यही रहता है कि किस तरह से आप डिफरेंट कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली रिजल्ट आपके ईजिली मिल जाए। तो रिजल्ट में हमें एग्जैक्ट चाहिए यानी कि दैट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज और इजीली, जो कि हमारे लिए यूजर फ्रेंडली। तो उसके लिए हमारे जैसे सीएनसी को हम यूज करते हैं, जो सीएनसी मशीन हमारी मैन्युफैक्चरिंग के काम में आती है। अब मैन्युफैक्चरिंग के काम में तो आती है तो क्या हम उसे मेजरमेंट भी कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमारा जो प्रोग्राम बनता है उस प्रोग्राम में हमें उसकी डायमेंशन सेट करनी होती है और उस प्रोग्राम में हम उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों डायमेंशंस के अंदर उसकी लेंथ, हाइट और विड्थ हर एक चीज को हम वहां पे डिफाइन करते हैं कि हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव बनेगा उस फाइनल ऑब्जेक्टिव की डायमेंशन ये रहेगी, उसका विड्थ ऐसा रहेगा, उसकी हाइट ऐसी रहेगी और उसकी लेंथ ये रहेगी। हमने हर एक चीज को प्री डिफाइन किया था हमारे प्रोग्राम में, अब हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पे मिल जाएगा। उन चीजों को सीएनसी है वो ऑटोमेटिक मेजर करती है और फाइनल रिजल्ट हमें वहां पे शो करती है कि अब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो इस प्लेट के ऊपर, जो इसकी उसका एक बेस सिस्टम होता है जहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, उस प्लेट के ऊपर वो उसे मेजर करता है और मेजर करने के बाद वो हमें फाइनल रिजल्ट उसका सिमुलेशन जो इसमें सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे वो दिखा देता है। तो इस तरह से हम एडवांस टेक्निक्स अगर यूज करते हैं तो वो हमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट वहाँ पे मिलेंगे, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा माइक्रो टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी हैं उनके अंदर हम यहाँ पे
मेजर कर सकते हैं। आपके एडवांस जो अभी मैंने आपको बताया था, SEM जो होता है आपका सेलेक्टिव इलेक्ट्रॉन मेजरमेंट्स माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा माइक्रोन्स में या नैनो साइज के अंदर पार्टिकल्स की डायमेंशंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को देखने के लिए हमें कंप्यूटराइज मशीनरीज की जरूरत पड़ती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मेट्रोलॉजी का। हम मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अभी उनकी नीड के बारे में, टाइप के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव भी हमें पता होना चाहिए। तो ऑल्दो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी एट ए मिनिमम कॉस्ट, मेट्रोलॉजी हैज फर्दर ऑब्जेक्टिव्स इन ए मॉडर्न इंजीनियरिंग प्लांट विद डिफरेंट सेप्स विच आर। तो मेट्रोलॉजी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हमारा एक्यूरेसी है। हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव को अगर मेजर करना है तो हमें उसके लिए एक्यूरेसी तो चाहिए ऑब्जेक्ट। देन द सेकेंड इज विद मिनिमम कॉस्ट। हमारे पास एक्यूरेसी के लिए बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं। तो हमें एक्यूरेसी भी चाहिए और प्लस कॉस्टिंग भी हमारी कम करनी है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री है वो बड़े बड़े मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा जो प्रोसेस है वो हमें देखना है कि किस तरह की इंडस्ट्री है और कहाँ पे कितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, और उस एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि उसकी रेंज के अंदर आ सकता है। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है कंप्लीट इवेल्यूशन ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स। मेट्रोलॉजी के हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी अगर नया प्रोडक्ट बना है तो उसे हम प्रॉपरली इवेल्यूएट कर सकें। देन सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस कैपेबिलिटीज एंड एंश्योर दैट दीज आर बेटर देन द रिलेवेंट कॉम्पोनेंट टॉलरेंसेज। दैट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे डिटरमाइन करना है प्रोसेस कैपेबिलिटी को, और हमें यह भी चेक करना है कि कोई भी टॉलरेंस वगैरह है कॉम्पोनेंट का, उससे सबसे बेस्ट है। टॉलरेंस हमारे क्या होती है, टॉलरेंस हमारा एक आप कह सकते हो वेरिएशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि परमिसिबल है। यानी कि हमने एक डायमेंशन डिफाइन की थी और उस डायमेंशन से हम ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस 1% या 2% आपकी लेंथ, आपकी विड्थ या आपकी हाइट वेरी होगी, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं है। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, टॉलरेंस। कि आपने जैसे 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, बट अगर उसकी डायमेंशन आपकी 10.1 भी हो जाती है तो भी आप मानते हैं कि नहीं, वहां तक भी आपका ऑब्जेक्ट करेक्ट है। तो वो परमिसिबल जो रेंज है, जो रेंज आपने डिफाइन की थी, 9.9 भी हो सकती है, 10.1 भी हो सकती है, तो आपने वहां पे उसके अंदर कितना टॉलरेंस दिया, 10% या 1%, तो वो था आपका 1%। तो वो आपने एक रेंज आपने परमिट कर दी उसको कि हाँ इतना परमिट हम यहां पे कर सकते हैं, तो वहां तक उस परमिसिबल रेंज तक आपके जो लेंथ है वो अलाउड है। तो दैट इज द टॉलरेंस। डिटर्मिनेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटीज एंड एंश्योर दैट दे आर क्वाइट सफिशियंट फॉर देयर रेस्पेक्टिव मेजरमेंट। अब हमें यहाँ पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में, उसके कैपेबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि वो जो भी हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है जिसके हमें इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना है, वो उसके लिए सफिशियंट है, क्योंकि उसके रेंज के अंदर वो आता है या नहीं आता। हमें माइक्रोन्स में है तो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि माइक्रोन्स में मेजर कर सके, या हमें किलोमीटर्स में मेजर करना है तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि किलोमीटर्स में मेजर कर सके। तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उनको वहां पे डिफाइन करना है। तो इन चीजों के बारे में हमें प्रॉपरली एंश्योर करना है। देन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज। अब हमें यह देखना है कि आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमारा इफेक्टिव और एफिशिएंट वे क्या रह सकता है। जो भी हमारे पास चीजें अवेलेबल है, अगर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उन्हीं से अगर हम उसको मेजर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हमें जो परचेज करना है वो कौन सा होगा जो हमारी रेंज में भी रहे और प्लस हमारे बार बार रिपीटेटिव यूज में भी आता रहे। तो उन सब चीजों के लिए हम देखते हैं कि हमारा इफेक्टिव वे क्या रहेगा, या आपको अगर सिर्फ एक या दो बार के लिए ही
आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की यूज कर जरूरत है, तो आप उसमें क्या करते हैं कि उसी ऑब्जेक्ट को आप खुद मेजर ना करके आप कहीं भी बाहर जो भी आपकी मेट्रोलॉजी लैब्स हैं वहां पे आप उसे मेजर करवा सकते हैं। तो वो एक हमारा इफेक्टिव वे रहता है कि किस तरह से हमारी कॉस्ट है उसको हमें मिनिमाइज करना है। देन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रिजेक्ट एंड रीवर्क थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। तो हमने जब मेजर किया तो उसके बाद हमें जो रिजेक्ट ऑब्जेक्ट मिले हैं उनको हमने यह भी एक्सप्लेन करना है कि आप इसमें कितना चेंजेस कर सकते हो ताकि हमारा ऑब्जेक्ट है वो दोबारा से यूजेबल बन जाए। तो उनके बारे में भी हमें वहां पे एक्सप्लेन करना होगा कि आपके इसके ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है वो 1 मीटर ज्यादा है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, इसे इस तरह से आप ये ऑपरेशन कंप्लीट करके और इसे आप दोबारा से रिफाइन कर सकते हैं। तो वो चीजें हमें वहां पे उसके अंदर एक्सप्लेन करनी है ताकि हमने मेजर किया तो हम उसके एग्जैक्ट डायमेंशन दे दें कि हाँ हमें एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर का पार्ट चाहिए था बट ये 11 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हम इसमें से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है वो आप इस तरह से दोबारा से इसको चेंज कर दो। देन दैट टू स्टैंडर्डाइज द मेजरिंग मेथड। आपका मेजरिंग मेथड है वो स्टैंडर्डाइज रखना है, हमेशा कॉमन रखना है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए। टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, और ऑब्जेक्ट आपका जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी को भी हमें हमेशा मेजर करना है। हमें मेजरमेंट की एक्यूरेसी कैसे रखनी होती है, हमें हमेशा प्रीडिफाइंड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है, कंडीशंस को फॉलो करना है और हम जो भी ह्यूमन ऑपरेटर है उसे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सारी की सारी चीज़ें हमारी सेम रहें, कोई भी आप वेरिएशन उसमें ना करें तो वो हमारी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते। जो भी एरर अगर इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है तो उन्हें उसी टाइम इमिडिएटली रिजोल्व किया जाए। टू प्रिपेयर डिजाइन फॉर ऑल गेजेस एंड स्पेशल इंस्पेक्शन फिक्सर्स। हमें ऐसे डिजाइन बनानी चाहिए जिसमें हम कोई भी गेज वगैरह हैं उन्हें एक जगह फिक्स कर सकें, या फिर हमें कोई भी फिक्सर्स होते हैं कि जहां एक जगह लगे हुए हैं और उनके बाद हमें उनको सेट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वहां पे आता है उस पोजीशन के ऊपर स्टेबल होता है और वहां पे वो उसे इजीली मेजर कर सके। तो हमें ऐसे डिजाइन बनानी चाहिए जहां पे हमारा काम इजी रहे। अगर वो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर है, हाथ में है, तो वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, मूव भी कर सकता है, तो वहां पे हमें प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकते। बट अगर किसी फिक्स पोजीशन पे है, कोई फिक्स बेड है उसके लिए और वहां पे वो स्टेबल है और वहीं पे उसी डायमेंशन के अंदर हमारा इंस्ट्रूमेंट है और वो उसे मेजर कर रहा है, तो वहां हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिल सकती है। तो इसीलिए हमें ऐसे डिजाइन भी बनानी चाहिए कि जो कि उन प्रोसेस को इजी कर सके, कि किस तरह से हमारा प्रोसेस है वो इजी हो सकता है। देन द नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजी। अब इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको भी बताया वो आपके इंपॉर्टेंस में ही आता है कि किस तरह से हमारी इंपॉर्टेंस है कि हमारी कॉस्टिंग भी कम हो सके, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिजेक्ट ना हो, हमने उनका क्वालिटी इंस्पेक्शन जो किया था वो सारा का सारा प्रॉपरली अगर हम पहले ही कर देते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट है वो मार्केट के अंदर रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा, हमारे कस्टमर्स जो हैं उनके ऊपर हमारे प्रोडक्ट का फेथ रहेगा कि किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो एक्चुअली अपने डिफाइंड जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे हमारे अगर मोबाइल्स की हम बात करते हैं तो मोबाइल में भी स्पेसिफिकेशंस आते हैं कि आपका मोबाइल का कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल है, 32 मेगापिक्सल है, 48 है। अगर आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वालिटी मिलती है तो आप मानते हैं कि हाँ हमारी कंपनी ने हमारे साथ फेथ रखा है और हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये एक्चुअल में जो 64 मेगापिक्सल की क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये बोलते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। आपको कोई स्केल लेनी है, आपको स्केल चाहिए 30 सेंटीमीटर की बट वहां पे वो आपको 28 सेंटीमीटर में की मिल रही है, तो वहां पे आपको दोबारा से ट्रस्ट ब्रेक होता है। बट एक्जैक्टली जब भी आप उसी कंपनी की स्केल परचेज करते हैं और हमेशा वो आपको 30 सेंटीमीटर की स्केल ही प्रॉपर देता है तो आपका वहां पे उस पर ट्रस्ट बिल्डअप है कि हाँ ये जो स्केल आती है वो हमेशा एग्जैक्ट और एक्यूरेट आती है। तो उन चीजों के लिए हमारा प्रोडक्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रोडक्शन एक्यूरेट है तो उसके लिए हमारा मेजरमेंट एग्जैक्ट और एक्यूरेट रहना चाहिए। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है मेट्रोलॉजी की और यही हमारी इस चीज की नेसेसिटी भी है कि जब तक हम एग्जैक्टली और फाइनल प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करके नहीं बनाएंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरा, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगा और जब तक आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते तो आपको
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें ISO वगैरह आता है, तो वो आपको उसके लिए अलाउ नहीं करेंगी उन प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल आउट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो हमारी हाई प्रोडक्टिविटी को, एक्यूरेसी को, मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजीज में इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा एक्यूरेसी से यूज़ करते हैं, प्रॉपर मेजरमेंट यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत कम प्रोडक्ट है उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेजरमेंट हर एक स्टेप के ऊपर प्रॉपर हो रहा था और जहां भी उसके अंदर एरर आया वहीं हमने उसको रिजॉल्व कर दिया।